सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो यार वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिसने भी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दो डेली रेगुलर गेमिंग यूजर अपडेट्स के लिए। तो यार हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं कृतिका के साथ। सो रिसेंटली कृतिका का यूट्यूब चैनल यार यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग न्यूडिटी। बट सिनारियो यार ये हुआ कि किसी एक बंदे ने उनको एक मीम सेंड किया था डिस्कॉर्ड पर जो कि यार 18 प्लस मीम था एंड कृतिका को ये बात नहीं पता थी। एंड जैसे ही उन्होंने प्ले किया एंड उनको पता चला उन्होंने स्ट्रीम प्राइवेट कर दी। बट यार आपको पता होगा गाइस कि अगर कुछ सीन होता है इस टाइप का तो स्ट्रीम या फिर वीडियो फॉरन डिलीट करना पड़ता है वरना कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ सकती है। एंड सेम सिनेरियो यहां पर हुआ, कृतिका वीडियो डिलीट के बजाय प्राइवेट कर बैठी और ये सीन हुआ और इसके बारे में उन्होंने जो भी कहा वो आप देख सकते हो। हाय गाइस, तो आज सुबह सुबह मुझे एक मेल आया फ्रॉम यूट्यूब इंडिया दैट योर यूट्यूब चैनल हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर वायलेटिंग आवर रूल्स रेगुलेशंस एंड I'll tell you the whole story about it. So yesterday I was live streaming on my channel and मैं Discord पे memes review कर रही थी actually. So I don't know कौन था वो बंदा, he just posted something nudity के, you know, some he posted some meme on that and मेरे stream पर चल गया। मैंने तुरंत अब video private कर दी थी but अगर मेरे नॉलेज में होता कि यू हैव टू डिलीट दैट वीडियो तो मैं वो डिलीट कर देती, बट इंस्टेड आई मेड इट प्राइवेट विद इन सेकेंड्स। तो कल कुछ नहीं हुआ चैनल को एंड आज सुबह मेल आया कि आपका चैनल डिलीट हो गया है फॉर द सेम रीज़न जो हुआ। सो कुडोस टू द गाय जिसने वो भेजा मीम एंड आई डोंट नो क्या सोच के किया होगा बट खैर जो भी है I let you guys know जो भी होता है आगे। Hopefully I'll get it back, maybe शायद नाम भी मिले, I don't know जो भी होता है I'll let you guys know, thank you। Already इतने सारे messages आ रहे हैं about the same and अब और ज़्यादा emotional feel हो रहा है। I don't know what to say but दुख तो हो ही रहा है obviously। काफ़ी मेहनत करी थी। Let's hope for the best guys। और सर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट आप जाकर के YouTube इंडिया को टैग करके उनकी हेल्प कर सकते हो। आफ्टर ऑल यार ये उनकी मेहनत है। खैर अब बात कर लेते हैं गिल के बारे में। तो रिसेंटली गिल ने अपनी न्यू टीम यानी कि जो एक्सपाक होने वाली है उसके रिगार्डिंग उन्होंने अनाउंसमेंट डेट की बात करी। अनाउंसमेंट कब है? इस वीक हो जाएगी, टेंशन मत लो। ऑल्सो अभी एक्सपाक की यार बात हो रही है जो TX की लाइनअप जल्दी रिवील होने वाली है एंड लेजेंड्स ऑलरेडी नो डेट। अब बात कर लेते हैं रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स जब लाइव थे तो उन्होंने मॉर्टल और गोल्डी बाई के बारे में बात करी एंड ये बताया कि वो कितने हम्बल हैं एंड क्यों हैं। वन वर्ड अबाउट मॉर्टल, ही इज वेरी हम्बल गाय। लाइक मैं फर्स्ट उस दिन खेला था फर्स्ट मैच, सो मैं मैच ज्वाइन करा था, ही ग्रीटेड मी इन अ वेरी नाइस वे भाई। तो लाइक इतना हाइट्स पे पहुंचने के बाद भी अच्छा नेचर है। मैं वैसे ज्यादातर क्या रहता है देखता नहीं हूँ बट मेरे को गोल्डी भाई का जॉर्ड बहुत ज्यादा ही सही लगता है। जो वो करते हैं ना, किसी को याद आ गया होगा, इमेजिन करो वही गोल्डी भाई का जॉर्ड तो ओपी है जो वो जॉर्ड करते हैं और श्रीमान भी कभी कभी। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। तो रिसेंटली यार एक केस सामने आ रहा है जो कि एक 17 साल के बच्चे का है एंड MP यानी मध्य प्रदेश में रिसेंटली एक हॉस्पिटल में रिपोर्ट दर्ज हुई एक बच्चे की जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुका है एंड रीजन था यार ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन। एंड उसकी फैमिली ने रिवील किया कि वो फ्री फायर बीजीएमआई पबजी जैसे गेम से काफी एडिक्टेड था। एंड यार उस बच्चे के पेरेंट्स ने आगे ये बताया कि वो ऑनलाइन गेम से इतना ज्यादा एडिक्ट हो गया था कि उसको हर चीज में गेम नजर आ रहा था एंड उसको फर्दर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एडमिट करवाया गया। वेल एनी थॉट्स ऑन दिस यार लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात कर लेते हैं मवी के बारे में। तो रिसेंटली मवी ने बात करी PMGC इनवाइट के बारे में। और इनवाइट कभी भी प्लेयर्स को नहीं आता होता, इनवाइट और को आता है, हमेशा और को आएगा, तो हमें इनवाइट नहीं आया। एंड यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं भी चलता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।